कहते हैं कि ये सरकार पेट्रोल के डीजल के गैस के दाम कम करें, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा स्लोगन लिखा गया, 40 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने वाला मिस्टर विठल काणिया सलवार पहन के भागा क्या। ये विठल काणिया वही बाबा रामदेव है जो एक आंख मार मार करके 40 रुपए पेट्रोल बेचने की बात कर रहे थे। वो चुरमुरे का थैला स्मृति ईरानी जो गैस के 10 रुपए बढ़ने पर सिलेंडर लेकर के बैठती थी, लगता है इलेक्ट्रिकल चूल्हा उनके घर में अंबानी ने दिया है। अब गैस 900 रुपए भी होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम इस देश की जनता हैं, इस देश के गरीब आवाम हैं जिसकी जेब को रोजाना लूटा जा रहा है। सुबह उठते हैं तो महंगा दूध खरीदने से लेकर घर का काम से घर वापस जाना भी महंगा हो गया है। अच्छे दिन वापस लाने के वादे बीजेपी की हुकूमत करके जनता को बुरे दिन और अपने दोस्तों को अच्छे दिन दिखा रही है। आज बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं, सिर्फ पेट्रोल डीजल गैस नहीं है, ये एक मुद्दा है हमको तमाम मुद्दों से हटाने के लिए। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे सामने बेटर एजुकेशन की पॉलिसीज हैं, एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आकर हमारे एजुकेशन को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, हमारी स्कॉलरशिपों को कम करके घटा करके हमें पढ़ाई से रोकने की साजिश की जा रही है। आए दिन डीजल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आपकी जेबों को खाली कर रहा है। नया सवेरा अगर लाना है तो युवा शक्ति को मजबूत करना है, युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना पड़ेगा कि डीजल के पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के डीजल के क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कम है। नहीं चलेगी। गैस के महंगे होने पर स्मृति ईरानी जी सड़कों पर आया करती थी, आज उनके चूल्हे तो आबाद हैं, हमारे क्यों नहीं। आए दिन डीजल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आपकी जेबों को खाली कर रहा है। सुबह उठते हैं तो महंगा दूध खरीदने से लेकर घर का काम से घर वापस जाना भी महंगा हो गया है। अच्छे दिन वापस लाने के वादे बीजेपी की हुकूमत करके जनता को बुरे दिन और अपने दोस्तों को अच्छे दिन दिखा रही है। गैस के महंगे होने पर स्मृति ईरानी जी सड़कों पर आया करती थी, आज उनके चूल्हे तो आबाद हैं, हमारे क्यों नहीं। आज हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम को अगर कम नहीं किया गया तो हम इससे भी बड़े एहतजाज करेंगे और आंदोलन में बदला जाएगा। आप सभी को आपके हिम्मत को, साथ को, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और हुकूमत को कहता हूँ कि युवा शक्ति जाग उठी है और आपसे सत्ता छीन कर रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज पीर के दिन जगत सर्कल से डीसी ऑफिस तक एक रैली का इनेकाद किया था इस हुकूमत के खिलाफ, जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस में के दामों में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी ला रही है, उसके खिलाफ हुकूमत को एक करारा जवाब देने के लिए ये रैली का इनेकाद किया गया था। जिस तरह से मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदन में बैठ कर भी ये कहते हैं कि हम नौजवानों के लिए करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे, 2014 से यही बोलते आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी सो गया हुआ शेर जाग गया है, तो आप अब डर जाएं कि किस तरह से हम आपकी सत्ता को, आपकी सरकार को हिला देंगे। स्टूडेंट एक ऐसे है जिससे कई सालों साल में जितने भी कई बार ये करते गए हैं तो बहुत से बदलाव आ गए, स्टूडेंट ही है जो आपको हिला सकती हैं, और स्टूडेंट के लिए आप जो भी नहीं कर रहे हैं आपसे गुजारिश है कि करिए या फिर इस्तीफा दीजिए ताकि हम एक नई सरकार को चुने ताकि स्टूडेंट के लिए कुछ हो।